गोरखपुर जिले में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। जिले में मंगलवार को नए 95 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें प्रधान डाकघर के सिस्टम मैनेजर की भी कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। इसके साथ ही बीआरडी के डॉक्टर नर्स भी शामिल हैं। कोरोना से संक्रमित सपा नेता की मौत हो गई। अब गोरखपुर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2714 हो गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि इनमें 60 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जबकि 965 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं ज़िले में अभी तक 1689 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को 95 नए मरीज मिले हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में 66 हैं, जबकि 29 मरीज ग्रामीण क्षेत्र के हैं। आपको बता दें, सीएमओ से मिली जानकारी के अनुसार गोरखपुर जनपद में आज 95 नए मरीज मिले हैं, जिसमें 1689 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। 60 की मौत हो चुकी है, 965 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं, जिसमें शहर के 66 मरीज मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 29 मरीज ग्रामीण क्षेत्रों के थे। पॉजिटिव पाए गए मरीजों में पैडलेगंज, सूरजकुंड, रोडवेज, बिछिया, विकासनगर, रायगंज, गोलघर, रसूलपुर, नंदानगर, घोष कंपनी, कालेसर, चिलमापुर, तरंग, दाऊदपुर, मियाँ बाजार, शाहमारू, बसंतपुर, शास्तीपुरम, जटेपुर, बड़े कादीपुर, हुमायूंपुर, अंधियारी बाग, हनुमानगढ़ी, मिर्ज़ापुर, रेलवे चिकित्सालय, धर्मशाला, राजेंद्र नगर, कूड़ाघाट, जुबली सिनेमा, बेतिया हाता, जयशंकर चौक, इस्माइलपुर, तारामंडल, विष्णुपुरम, बहरामपुर, हासूपुर, दिलेजागपुर, मोहद्दीपुर, डोमिनगढ़, खूनीपुर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बड़हलगंज, चरगावा में 15 मरीज मिले हैं, जिसमें बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 9 मरीज मिले हैं। गगहा में 4, खजनी, खोराबार, पिपराइश में एक एक मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की कोरोना जाँच की जाएगी। इलाके को सील करने के साथ ही सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। संक्रमितों के संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है।